हेलो चिल्ड्रेन, हाउ आर यू? आई थिंक एवरी वन इज़ फिट एंड फाइन। सभी लोग अच्छे से रह रहे हो? साफ सुथरे रहना, हमेशा हाथ धोते रहना, गंदी चीज़ों को मत छूना, मास्क लगा के रखना, अपने आप को साफ सुथरा रखना, रोज़ नहाना, ठीक है? चलो आज हम लोग पढ़ते हैं लेसन नंबर 4, चतुर गिद्ध, हिंदी पाठमाला से। इसमें स्टोरी है एक गीदड़ और गिदड़ी की। एक बार बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। गीदड़ और गिदड़ी अपने बच्चों के साथ इधर उधर घूम रहे थे जंगल में, तो उन्हें एक गुफा दिखाई दी। वे उसी में घुस गए। वह गुफा एक शेर की थी। गुफा में जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े थे। मांस, शेर मांस ही खाता है। गिदड़ी डर गई। वह बोली, यह तो शेर की गुफा है, यह किसी भी समय यहाँ आ जाएगा और हमें मार डालेगा। गीदड़ बोला, तू डर मत, जब शेर आएगा मैं उससे निपट लूंगा, बस मैं जैसा कहूँ तू वैसा करती जाना। गीदड़ ने गीदड़ी को अपनी योजना बता दी। थोड़ी देर बाद गुफा के बाहर कुछ आहट हुई। गीदड़ी ने झांक कर देखा, शेर आ रहा था। गीदड़ तैयार था। उसने भारी भरकम ऊंची आवाज में पुकारा, जंजीरा। गुफा के दरवाजे के पास से गीदड़ी ने जवाब दिया, जी 30 मार खां। शेर ने सुना तो वो एक बैग सोचने लगा, रुक गया और, अरे ये मेरी गुफा से 30 मार खां? 30 मार खां कहाँ से आ गया मेरी गुफा में? कौन है ये? जरूर कोई भयानक शक्तिशाली जीव होगा, तभी तो मेरी गुफा में घुसने की उसकी हिम्मत हो गई। शेर उल्टे पांव वापस लौट गया। उसने अपनी बात जाके अपने साथियों को बताई। ये सब उस पर हंसने लगे। एक साथी बोला, भाई तुम तो बड़े डरपोक निकले, कहते अपने को जंगल का राजा हो। चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं, देखते हैं कौन बड़ा 30 मार खां है। शेर बोला, मैं बता रहा हूँ वहाँ जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन तुम लोग कहते हो तो चलता हूँ। वे साथ गुफा की तरफ चल दिए 30 मार खां से मुकाबला करने के लिए। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक दूसरे की पीठ पर चढ़ जाएं, इससे हम भी भयानक और शक्तिशाली दिखाई पड़ेंगे। वे एक दूसरे की पीठ पर चढ़ गए। गीदड़ ने उन्हें आते देखा तो रौबीली आवाज में बोला, अरे जंजीरा, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? गीदड़ी बोली, बच्चे भूखे हैं, ये शेर का मांस मांग रहे हैं। गीदड़ ने कहा, सुबह ही तो एक शेर मार कर लाया था। गीदड़ी बोली, 30 मार खां जी, बच्चों को शेर का ताज़ा मांस चाहिए, मुझे शेर की गंध आ रही है। आप बाहर जाकर जल्दी से शेर मार कर लाइए। मैं अभी जाता हूँ, गीदड़ बोला। सबसे नीचे खड़े शेर ने गीदड़ गीदड़ी की बात सुनी तो उसके पसीने छूट गए। वह जो दुम दबाकर भागा तो उसके ऊपर खड़े शेर भी धड़ाम धड़ाम करते नीचे आ गिरे। वे भी गिरते पड़ते जान बचा कर भागे। हा, रास्ते में एक लोमड़ी ने उन्हें भागते देखा तो पूछा, क्या बात है, आप लोग इस तरह क्यों घबरा के भाग रहे हो? शेर रुक कर हाँफते हुए बोला, मेरी गुफा पर किसी 30 मार खां नाम के भयानक जानवर ने कब्जा कर लिया है। भाई यह बड़ा शक्तिशाली है, वह तो हमें मार कर खाने वाला था। बड़ी मुश्किल से हम किसी तरह जान बचा कर भागे हैं। भयानक जानवर 30 मार खां? अरे आपसे शक्तिशाली और कौन हो सकता है? आप बेकार ही डर रहे हैं, मेरे साथ चलिए, मैं देखती हूँ कौन 30 मार खां है। लोमड़ी बोली, ना भाई ना, मैं नहीं जाऊँगा, इतनी मुश्किल से तो जान बची है और तुम्हारा भरोसा मुसीबत आते ही भाग गई तो? शेर बोला। लोमड़ी ने कहा, आप इतना क्यों डर रहे हैं? मुझ पर भरोसा नहीं तो हम एक दूसरे को रस्सी से बांध लेते हैं, फिर तो मेरे भागने का कोई खतरा नहीं होगा। शेर ने कहा, हाँ यह ठीक रहेगा। लोमड़ी ने मजबूत रस्सी लेके एक सिरे से शेर को बांधा और दूसरे सिरे से अपने आप को बांध लिया और चल दिया गुफा की तरफ दोनों। लोमड़ी आगे आगे, शेर पीछे पीछे। गीदड़ ने उन्हें आते देखा तो मुस्कुराने लगा। उनके गुफा के पास आते ही गीदड़ चिल्ला कर बोला, लोमड़ी की बच्ची, मैंने तुम्हें 2 शेर लाने को कहा था, तू यह मरियल सा एक ही शेर लेकर आई है। इतना सुनना था कि शेर धोखा धोखा चिल्लाता हुआ सिर पर पांव रखकर भागा। लोमड़ी रुको रुको चिल्लाती रह गई, पर शेर को तो अपनी जान की पड़ी थी। वह लोमड़ी को साथ में घसीटता हुआ भागता गया, झाड़ियों और पत्थरों से टकरा टकरा कर बेचारी लोमड़ी की तो जान ही निकल गई। शेर फिर उस कभी उस गुफा की तरफ नहीं आया। इस स्टोरी से जानते हो बच्चों क्या मतलब निकलता है? ये मतलब निकलता है कि हमें तो पहले वैसे खतरनाक काम करने नहीं चाहिए। अगर कभी हमारे पास मुसीबत आ जाए तो डरना नहीं चाहिए, अपने दिमाग से काम लेना चाहिए कि कैसे हम अपने को उससे सेफ रख सकते हैं, ठीक है? और सेफ रखने के लिए हमें अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, ओके? अब देखो यहाँ पे लिखा है शब्दार्थ और मुहावरे, इन सबको आप अपनी नोटबुक में लिखोगे, इन सबको भी सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखोगे। और कैसे लिखोगे? 1-1 लाइन छोड़ के, है ना, सुंदर से अक्षरों में लिखोगे,
मैंने आप लोग को बताया है आपकी राइटिंग कैसी होनी चाहिए, है ना। देखो ऐसे लिखना, जैसे लिखना पहले, सबसे पहले लेसन नंबर 4, उसके बाद यहाँ लिखना चतुर गीतड़। ठीक है, आज की डेट क्या हो गई बच्चों, आज की डेट हो गई 2-3-2-0-3-0-5, मई मंथ चल रहा है, 2020। ओके, उसके बाद राइटिंग लिखनी है आपको। राइटिंग में आपको सुंदर सी राइटिंग लिखना है, मेरे जैसा, जैसे मैं लिखती हूँ। मैं देखूँ कौन कौन मेरे जैसा लिख लेता है, तो चलो लिखते हैं। बड़े जोर की बारिश हो रही थी, इसको लिखेंगे हम लोग बड़े, 1-1 फिंगर स्पेस देके, जोर की बारिश हो रही थी, ऐसे करके, फिर यहाँ पूर्ण विराम, फिर यहाँ पे है एक गीदड़ और गीदड़ी, इसको आप ऐसे लिखना, फिर यहाँ से लिखने के एक लाइन छोड़ के, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं आप करो, थोड़ी देर पढ़ लो फिर खेल लो, 10 मिनट फिर पढ़ लो फिर खेल लो, ठीक है बच्चों। चलो अब आप लोग अच्छे बच्चे बन जाओ, सब कोई अपना अपना काम करो, मम्मी पापा की बातें मानो, टीचर की बातें मानो, ठीक है। फिर मिलते हैं, बाय बाय बच्चों।